हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। एग्जाम्स कैसे रहे बेटे आप लोगों के? बहुत मेहनत कर रही है, पढ़ाई कर गई है ना एग्जाम देने के लिए। चलिए थोड़ा रिफ्रेश करते हैं। अब आपके न्यू वीडियोस आने वाले हैं, क्राफ्ट की भी एंड ड्राइंग की भी, जो आपको रिफ्रेश करेंगे और एंटरटेन भी करेंगे साथ में। अब आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी। आप लोग लाइव क्लासेस में जनरली क्या यूज़ करते हैं? ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, हेडफोन्स यूज़ करते हैं। पता है आपको, जो इन ईयरफोन्स हेडफोन्स होते हैं, इनकी जो वॉइस आती है डायरेक्टली जब आप उसको लगाते हैं, बेटर है कि क्लियर आवाज़ आती है, आपको सराउंडिंग की आवाज़ नहीं आती। लेकिन हमें पता है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे ईयर्स पे इम्पैक्ट आता है, और इम्पैक्ट आता है तो धीरे धीरे हम सुनने की शक्ति हमारी कम होती चली जाती है। उससे हमें हार्मफुल तो है ही हमारे लिए, बॉडी के लिए। ऐसे ही जब आप मोबाइल गैजेट्स का यूज़ करते हैं तब भी प्रॉब्लम आती है। तो हमने आपको मोबाइल होल्डर यूज़ करना बताया था कि इस तरीके से होल्ड करेंगे तो थोड़ा ऐसे डिस्टेंस बना रहेगा। ऐसे ही आज हम लोग एक स्पीकर बनाने जा रहे हैं कार्डबोर्ड से, विद अ हैंडमेड स्पीकर, जिसमें आप अपना मोबाइल पुट करेंगे। आपको हैंड फ्री रहना है, आराम से अपने नोट्स लिख सकते हैं और आपकी वॉइस भी क्लियर आएगी। बहुत सिंपल एंड सोबर, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, सिंपल कार्डबोर्ड का यूज़ करना, साइंटिफिकली तरीके से बनाया हुआ हम बनाएंगे कार्डबोर्ड से स्पीकर। बेटा आज हम लोग मोबाइल स्पीकर बनाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको मैंने बताया कंफर्टेबल रहेगा सुनने में। तो मैं नॉर्मली मटेरियल यूज़ किया है, मैंने एक ग्लास यूज किया है जूस का, बिग साइज ग्लास, फॉइल पेपर रोल, फेविकोल, कटर एंड कलरफुल पेपर्स, इसे हमें जनरली यूज़ करना है। और थोड़ी सी हमें थंबपिन चाहिए होंगी स्टैंड के लिए। आपको याद होगा हमने एक मोबाइल होल्डर बनाया था पहले, उसी को ही हम फॉलो करेंगे, उसी के ही जैसा है, लेकिन सिंपल एंड सोबर स्पीकर टाइप में। आप साइंस में भी पढ़ते हैं तो वैसे ही हम लोग फॉलो करते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले फर्स्टली मैंने फॉइल पेपर का रोल लिया है और उसमें मैं मार्क कर लेती हूँ अपने गैजेट के अकॉर्डिंग। मुझे मोबाइल यूज़ करना है, मुझे टैब यूज़ करना है, उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग मैं उसका एक मार्क कर रही हूँ कि मुझे अपना गैजेट को यहाँ फिट करना है। इसलिए ये मैंने गैजेट का मार्क किया है, इसे मैं कटिंग करूँगी। और साथ में हमें इसको लेंथ भी शॉर्ट करनी है, तो हम मोस्ट ऑफली आप 12 इंचेस का अपना मार्क लेके इसे कट कर सकते हैं, कि 12 इंचेस का हमें लेना है एरिया, 12 इंचेस का लेके हम मार्क करेंगे। अब हमें ये वाला जो एरिया है उसे भी कट करना है और हमें ये वाला एरिया भी कट करना है। तो मैं कटिंग स्टार्ट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कटर। और हमने ये कट कर लिया, मैंने इसका शेप दे दिया। आप देखिए मेरा जो मोबाइल है, मैं इसे विड्थ वाइज भी लगा सकती हूँ ऐसे, और इसे लेंथ वाइज भी रख सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसका कट बढ़ा लिया है। साइड में मेरा जो मैंने एरिया ये कट किया था साइड का, इस पोर्शन को मैं मुझे इसमें इंसर्ट करना है इस तरीके से। तो मैंने इसको क्या किया, टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। और आपको लग रहा है कि बड़ा है, हम इसको और शॉर्ट कर देंगे और इसमें नीचे की तरफ प्लेस करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा और स्लीक कर लेती हूँ, जिससे हम अगर इस पर गैजेट लगाते हैं अपने, तो हमारा गैजेट स्लिप ना हो। अभी ये जो इसमें प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट करेंगे। और हमने ये पीसेस लिए, मैं इसको उसके नीचे ऊपर प्लेस कर देती हूँ, मैंने फेविकोल लगा के हल्का सा, जिससे ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और ये फेविकोल हमको एडजस्ट पे लगाना है यहाँ पे, ये आपकी विश है आप लगाना चाहें। अगर आपका गैजेट प्रॉपर टिक जाता है तो आपको पेस्ट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाना, मतलब रुकना चाहिए ना, मूव नहीं करनी चाहिए इस तरीके से। और हमें क्या करना है, ये ग्लास लेना है, इसको यहाँ फिट करना है। तो इसके साइज का हम लोग इस पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और सर्कल को कट कर लेंगे। हमने ये कट कर लिया है, होल बन गया है इसके अंदर। अब मुझे इंसर्ट करना है, बेटा थोड़ा टाइटली होना चाहिए, इसलिए आप हल्का सा होल थोड़ा सा छोटा रखेंगे। इस तरीके से हम इसे प्लेस करना है। तो पहले हम इसे पेपर से डेकोरेट कर लेते हैं अपने होल्डर को, के बाद हम इसमें फेविकोल से इसे फिट कर देंगे। मैंने ये डिफरेंट कलर के पेपर के स्ट्रिप्स लिए हैं, मैं इसे इस पर प्लेस पेस्ट करूंगी। ये देखिए, तो मैं इसे अपने अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। डेकोरेट करने का आपका अपना इंटरेस्ट है, आप कोई भी ले सकते, किसी भी पेपर को या फिर कोई भी क्लॉथ ले सकते हैं। मैं तो क्लॉथ पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ड्यूरेबिलिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, एज ए विश, जो भी आपके पास इजीली मिल जाता है
वो चीज करिए। डेकोरेट नहीं भी करेंगे अभी, एग्जाम टाइम है तभी चलेगा। बस चीज है मेकअप, आपको हेयरिंग में दिक्कत नहीं आएगी जब मैम पढ़ा रही हैं या लेक्चर्स दे रहे हैं, आप अभी लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आपको ईयरफोन्स लगाने के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हेडफोन इस तरीके से हमने इसको पेस्ट, मैंने वन पेपर पेस्ट किया, फिर मैं सेकेंड स्टेप पेस्ट कर रही हूँ। देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेप्स का भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर के कलर पेपर्स का, टेप्स का को चूज कर सकते हैं। हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है और हमें आगे डेकोरेट करना है। तो मैंने ये पेपर ले लिया, पेपर दो कलरफुल पेपर था, इसको मैं देखो आप ऐसे रैप करते हुए मैं यहाँ तक लेके जा रही हूँ। इस तरीके से मुझे इस पर रैप करना है बेटा। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने जो कट किया है वो एरिया कवर क्यों किया है? कवर इसलिए किया है क्योंकि हमको यहाँ पे फिनिशिंग देनी है। अगर हम फिनिशिंग नहीं देंगे तो हमारा ये मैसी मैसी सा लगेगा कटवर्क। तो हमको क्या करना है, ये मैंने रुको यहाँ तक इसको लेके और इस तरीके से इसको फेविकोल से पेस्ट कर दिया। ये तो लुक देने के लिए किया है हम लोगों ने, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो इससे हमारा ओपन किया था मैंने उस पर कट लगा रही हूँ और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम इनसाइड की तरफ फोल्ड कर देंगे जिससे हमारी फिनिशिंग भी रहेगी इसमें। इसको हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है? तो मैं फेविकोल लगा के इसे पेस्ट कर रही हूँ। हमारा इतना रेडी हो गया, डेकोरेट हो चुका है, अब मेरे को इसमें इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले यहाँ पे हल्का हल्का फेविकोल अप्लाई कर दूंगी इस तरीके से और इसको इसमें इंसर्ट कर दूंगी। ध्यान से आपको, हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें पिंस अटैच करनी है फॉर द सपोर्ट। आप मार्क कर सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले किया था, सेम वही चीज है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया लग दिया है। तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आप उसमें भी उसी वाले में भी अटैच कर सकते हैं जो हमने पहले बनाया था। हमारा ये रेडी है। आप अपने फोन को ये देखिए, मैंने इसमें सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए इसमें स्पीकर के साथ में इसमें आवाज आ रही है, बहुत इजीली हमको साउंड क्लियर हो रही है बेटा इसके लिए, और कैमरा भी आपको प्रॉपरली नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपना गैजेट बना सकते हैं, स्पीकर अपने लिए घर पे, पर्सनल स्पीकर, जिसे आपको ईयरफोन लगाने से आपके पेन नहीं होगा ईयर के अंदर और आप इसे यूज कर पाएंगे।